गाना बजाना किस टाइप का हो है, किस टाइम का हो? ये तो देखो, दिल जब खुश है ना तब वो हो आकर हैं। अब ये कितने उदाहरण मिलने से हैं, वो जब लगन लाग जाए, जब ये ऐसे बड़े बुजुर्ग बता करते, पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में भी बता करते, और फिर उनका लगन लागी कसूती, यहाँ समाज में उनका सांग आ रहा था, वो पंडित जी थे जब करने लागे था सांग, कति ना बेड़ा बांध था, और इसमें दत्तोड़ी कमा बाजे भगत का सांग आ रहा था, तो उड़ रात ने ये सांग देखने चले गए। अब उस बुजुर्ग के अंदाज में वो जा रहे थे, तो पब्लिक वाले बोले पंडित जी बारे हैं, आवाज बड़ी पैनी थी, और लक्ष्मीचंद भी स्टेज पर चढ़ा दिया, बोला सुनाओ पंडित जी सुनाओ। वो जब सुनाने लगे थे एकदम जिस तरह बाजे भगत ना बोलना बुजुर्ग के अंदाज में, बोला सुन रहा है बामणी के कम तो कम वो भगत है, कोई प्रमाणिक बात हो तो कहना, फिर इतनी कसूती हुआ लाग गई। अब भाई प्रमाणिक बात होता तमाम जब ये शास्त्री हो रखे, एक साल में ही फिर इतना अर्जित कर लिया, एक साल के बाद उनकी फिर बहस हुई है, उड़ेगा मायू परमो पंडित जी सांग कर रहा था, और यो अपने गांव में जाता ससाने, इसका न्यू थाए हुआ है भाई, मैं उन कम ज्ञान तो सहना, और चालू डो सा ले गए उम्र बूढ़े में बड़ा था, अमर में उठा था। बड़ा सोचा है रजगो तुम्हारे बारे में सोच रहा कि हाँ क्यों वो बकी जाए। तो ये चीजें वो खुशी मूड, और फिर वो गाना बजाना तो उसका खत्म हो गया, जब शुरू करा था गाना और उड़े थे झिड़क दिया। ये इस तरह से हमारे कितने उसमें मिलते हैं, वो राजा भोज के पास कालिदास कवि था श्रेष्ठ, वो रोजाना कविता सुनाकर सुनिया टका लिया करता, और कवि लोग कहने लगे कि बोला भाई इतना यो कालिदास जी इतना मारा नंबर तो पड़े को ने, तो वो एक कवि था, वो उसका दूसरा प्यारा था, वो बोला मैं कालिदास ने एक अक्षर भी ना कहने दूं, बोला आप क्या करोगे, बोला मैं बेरा ना मैं ना कहने दूं। वो कालिदास जब कविता सुनाना जान लग गया, जब वो पैसे मांगा था उसका, वो बोला भाई सुन ले कालिदास, मेरे पीछे आज सांझ ताई घरा जैसे क्यों वीर ना ताड़े दरबार में बेइज्जती करूंगा, और उड़ो घर तो अड़ोसी पड़ोसी सब तुम्हारा देखेंगे, मेरे पीछे सही भाई टेंशन बांट दी। टेंशन बांट दी। फिर कड़ा कविता उड़ो चुप खड़ा हो गया, बहुत देर होगी, राजा भोज बोला रहा कालिदास सुना बहुत देर होगी चुप रह गया। जब कालिदास बोला जी मेरे हृदय में सरस्वती का वास है, और जो ऋण रूपी अग्नि है ना उसने सरस्वती के कपड़े जला दिए, और वह नंगी होगी, वह बाहर आती हुई संकुचाती है, वह शर्माती है बाहर नहीं आ सकती। और राजा समझ गया, बोला रे इतने बड़े मान को भी कर्जा, बोला हाँ जी, बोला भाई इस खजाने में तो पहले इसका कर्जा चुकता करो, कालिदास कौन कौन मांगा बोले बताता जा, वो सबको देते रहे एकदम राज्य हो गया। फिर वह चेतन था, देख राजा उन्हें तो लड़ाई जीत गया, जब क्या दृश्य था, जब एकदम उतावली हो गए, रानी सोने का थाल सजा के ले आई, और उस जल्दबाजी का माँ वह कटोरी जो थी उस थाल में थे थड़ सकन, और फिर जीने माँ के थड़सी कैसे जीने माँ के क्या आवाज करती है, एक टन 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 टे आक वहां रुक गई, वह चित्रण उतार दिए, बोले कितने सुन लो, तो ये खाना हर एक चीज खुशी की है, उमंग की उमंग की है ये बात।